ते स्टूडेंट्स, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी। छात्राओं, अपन संस्कृत विषय में अपन संस्कृत विषय के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन संज्ञा सूत्र, ठीक है। संज्ञा सूत्र के अंदर अपन क्या करेंगे? संज्ञा सूत्र के अंदर अपन सबसे पहले, मैंने आपको हम इत्संज्ञा हर इत्संज्ञा सूत्र, ठीक है, लोप संज्ञा सूत्र, लोप संज्ञा सूत्र पढ़ चुके, और प्रत्याहार, है ना, फिर है सवर्ण संज्ञा सूत्र, ठीक है। अब सवर्ण संज्ञा सूत्र के अंदर अपन क्या करेंगे? जो सवर्ण संज्ञा सूत्र है, इसके अंदर क्या बताया है? सवर्ण, ठीक है, जो समान उच्चारण होने वाले वर्ण, समान उच्चारण होने वाले वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण जो आभ्यांतर यत्न, ठीक है, आभ्यांतर यत्न से उच्चारण होने वाले ऐसे वर्ण जो जिनका यत्न आभ्यांतर तो हो, पर वो जो वर्ण उच्चारित कर रहे हैं उनका जो भाग है वो क्या होगा? समान उच्चारण स्थानों को उच्चारित, मतलब कि स्पर्श करता हुआ जो उच्चारित हो रहा है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तुल्यास, सवर्णम, ठीक है, आभ्यांतर यत्न, ठीक है, ये वही है जो समान वर्ण है ना उच्चारित, ठीक है। अब क्या हो गया इसमें? यत्न प्रयत्न क्या हो गया? तुल्यास मतलब कि तुल्य, समान तुल्य हो गया, और ये क्या हो गया? यत्न। अब यत्न के अंदर भी क्या हो गया? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है, आभ्यांतर, इसमें भी क्या है? आभ्यांतर, आभ्यांतर यत्न, जो समान उच्चारित होने वाले वर्ण है उनकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? तुल्यास प्रयत्नम जो सवर्णम है इसकी क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा होती है। क्वेश्चन बनता है कि सवर्ण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो वहां पे अपन क्या लिखेंगे? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, जो इस सूत्र से क्या हो जाएगी? जो वर्ण है उनकी क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे है संयोग संज्ञा, अब संयोग संज्ञा क्या होती है? अच्छ व्यवधान रहित, अच्छ व्यवहितस्य, ये क्या कह रहा है? जो अच्छ है मतलब कि संयोग संज्ञा उन वर्णों की होती है जो अच्छ रहित है, ठीक है। अच्छ क्या हो गया? स्वर, जो स्वर रहित हो, कौन से वर्ण? ऐसे वर्ण हल, हल ऐसे वर्ण जहां पे हलों का, हल जो वर्ण होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन उनका क्या हो जाएगा यहाँ पे?
संयोग संज्ञा हो जाती है। अब संयोग संज्ञा क्या हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, शुद्धि उपास्य। अब जैसे शुद्धि उपास्य में क्या होगा, इसका संयोग कौन कौन से वर्ण में होगा देखा जाए तो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसके अंदर तो अच भी है, तो ये संयोग संज्ञा का कैसे होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, संयोग वर्ण के लिए हम क्या करेंगे, सु स ध ये सुधय पा स रिय। अभी क्या है कि जहां अच वर्ण, मतलब कि ऐसे वर्ण जहां पे, ऐसे अच हल वर्ण जहां पे हल वर्णों का संयोग होता हो, उनकी इस संयोग, इस सूत्र से संयोग संज्ञा होती है। अब क्वेश्चन है कि संयोग संज्ञा सूत्र कौन सा करता है, तो हलो अंतरा संयोग है, हलो अंतरा संयोग से क्या होगा, जो हल, ठीक है, जिनके अंदर क्या है कि हल वर्ण है, ठीक है, हल वर्ण है, उनके अंदर क्या हो जाएगा, अंतर ना हो, जितने भी हल वर्ण है उनमें किसी भी चीज का हल वर्ण के अंदर कोई अंतर ना हो, तो उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। हल व्यवधान हितस्य, मतलब कि जो व्यवधान रही, तो उनके अंदर व्यवधान कैसे होगा कि जिनके अंदर अच्छी, जिनके अंदर क्या है, अच्छी उपस्थित नहीं हो, अर्थात जैसे मैंने अभी आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, अब इसमें अपन ने क्या देखा, इसमें अच है, अच क्या आ गया यहाँ पे, उ, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर अच है, ठीक है, जब हमने इन दोनों को अलग पृथक कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यवधान हितस्य, मतलब कि इनके अंदर कोई भी व्यवधान नहीं है, मतलब यहाँ पे इन हल वर्णों का संयोग हो रहा है, तो इन वर्णों से क्या हो जाएगी, इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब संयोग संज्ञा तो हो जाएगी, पर हमने पहले वाले सूत्र में क्या पढ़ा था, समान वर्ण तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, वहां क्या था कि वहां पे ये था कि समान जो वर्ण है, समान वर्ण है उनकी क्या हो जाएगी, समान वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, तो सवर्ण संज्ञा क्या हो जाएगी, इन वर्णों की जो ये वर्ण है, ठीक है, उनसे तुल्यास प्रयत्नम, तुल्यास ये क्या कर देगा, इसमें सवर्ण संज्ञा कर देगा, ठीक है। अब जब ये सवर्ण संज्ञा कर देगा तो फिर बात ये आती है कि जब इसकी पद संज्ञा, हम इसको पद कैसे बनाएंगे, तो समस्त जो पद है, जो समस्त पद है उसके अंदर जो हल है, ठीक है, ये क्या कहलाया आपको, समस्त पद कहलाया, पद के अंदर क्या हो जाएगा जब हमने इसको अलग किया तो, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पृथक हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको इस तरीके से कर दिया तो ये क्या हो गया कि समस्त पद बन गया। फिर आगे सूत्र है संहिता संज्ञा सूत्र, अब संहिता संज्ञा सूत्र में क्या होगा,
ठीक है, व्यवहिता से पर सन्निकर से संहिता शात, मतलब कि जहां पे क्या होता है कि संहिता किसे कहते हैं, अत्यधिक निकटता को, अर्थात जो समस्त पद की अत्यधिक निकटता है उसको क्या, उन वर्णों की क्या हो जाएगी यहाँ पे संहिता संज्ञा होती है। इसे यह है, पाणिनीय ने इसे संधि की परिभाषा भी कही है। ठीक है, पर सन्निकर्ष से संहिता क्या करता है ये, कि संहिता संज्ञा भी करता है। पर सन्नी और कर्ष, ठीक है, और संहिता के जो अत्यधिक वर्णानाम अतिशय है सन्निधि संहिता संघर्षात, कि वर्णों का, ठीक है, अत्यधिक निकटता क्या हो जाएगी, उसकी संहिता संज्ञा होती है। ठीक है, अब पर के अंदर क्या हो गया, पर यानी क्या हो गया कि पर के अंदर पर और पूर्व, ठीक है, पर तो क्या हो गया बीच में हो गया, मध्य में हो गया, और पूर्व क्या हो गया पहले वाला। जैसे हमने मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण है, वर्ण की पर और पूर्व के अकॉर्डिंग जैसे है लाकृति, है ना, ये क्या है लाकृति। अभी लाकृति क्या है, ये यण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि संहिता संज्ञा, कि अब इसमें हमने क्या देखा कि जो लाकृति है इसके अंदर क्या है, कि जिस तरीके से हमने क्या किया है कि संयोग, मतलब कि अत्यधिक वर्णों की निकटता, अत्यधिक वर्णों की जो निकटता है वह क्या कहलाती है, संधि कहलाती है, संहिता, इसे संधि भी कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये चीज, एक चीज और है कि अत्यधिक जो वर्ण है, ठीक है, अब इसमें वर्ण कौन से आ गए कि री और याकृति, तो ये क्या हो गया पूर्व वर्ण। ठीक है, अब पूर्व वर्ण क्या है इसमें, पूर्व वर्ण क्या हो गया यहां पे, ये, ठीक है, अब पूर्व वर्ण के अनुसार यहां पे इससे पर सन्निकर्ष से संहिता संज्ञा हो जाएगी। संहिता संज्ञा क्वेश्चन बनता है कि संहिता संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो क्या पर सन्निकर्ष से जो सूत्र है वह संहिता संज्ञा करता है। ठीक है, अब संहिता संज्ञा जब करते हैं तो उसमें क्या है, जब हम संहिता संज्ञा कर लोगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें पद संज्ञा करेंगे। पर पद संज्ञा के लिए हमें क्या करता है, सुबंध, सुबंध और तिगंत, ठीक है, दोनों पदों की क्या हो जाती है, इन वर्णों की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है। तो पर सन्निकर्ष संहिता जो क्या कहता है, जो सूत्र क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, संहिता संज्ञा करता है। ठीक है, तो जब ये है लाकृति है तो हमने इसमें क्या बताया आपको कि जो निकटतम वाले वर्ण है, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया पूर्व और ये हो गया पर। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने संहिता संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। हम इससे नेक्स्ट वाले सेशन में पद संज्ञा के बारे में, जिसमें सुबंत और पद तिगंत पदों की क्या हो जाती है, पद संज्ञा होती है, उन वर्णों की हम क्या करते हैं, पद संज्ञा करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।